ये साथ में पड़ी है हमारे नर्सरी से, और इस दुष्ट ने हमें ऐसा धोखा दिया, रश्मि इसकी फास्ट फ्रेंड बन गई। हम इसीलिए इससे चिढ़ जाते हैं, इसलिए इसने अपना रास्ता बदल दिया। तो मैं याद है अपन बस में पूरे टाइम चिड़ी खेलते हुए आते थे, कब हमारा स्टॉप हो जाता था और पता भी नहीं चलता था। हेलो फ्रेंड्स, फिर से जो छोटे बचपन के दोस्तों से मिलने का जो सीरीज़ है उसको आगे बढ़ाते हुए आज मैं फिर से अपने बचपन की एक सहेली से मिलने जा रही हूँ, जो कि कुछ ही दिनों के लिए मायके आई है। वो मुझसे कब से जुड़ी है, नर्सरी से एम कॉम तक, पर हम लोग शायद बी कॉम एम कॉम के बाद से नहीं मिले। तो उसका मैसेज आया था कि तुम मिलने आ जाओ अपनी राम प्यारी के साथ, तो मैं जा रही हूँ उसके पास अपनी राम प्यारी के साथ। आज बहुत सुंदर मौसम है तो गाड़ी चलाने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी, प्यारा मौसम है। बज रहे हैं 3:30। मेरी दोस्त ने बोला रितु अपनी राम प्यारी के साथ आ जाओ, राम प्यारी आपको भी पता है मेरी एक्टिवा, मैं जा रही हूँ अपनी एक्टिवा से स्वतंत्रता के साथ। बहुत अच्छा मौसम है, प्यारा मौसम है, पानी गिरे ना गिरे अगर बादल बने रहते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। अब गाड़ी चलाने में बहुत मज़ा, सिंगल गाड़ी चलाने में जो मज़ा है ना वो डबल में नहीं। वैसे मैं डबल बहुत अच्छे से चला लेती हूँ, कभी मौका दीजिएगा तो चलते हैं। मैं आ रही हूँ अपनी फ्रेंड के घर, तो मिलते हैं। तो दोस्तों, मेरी फ्रेंड ने अपनी बुआ के घर मुझे बुलाया था, जहाँ मेरी मामा लोग भी रहते हैं उस कॉलोनी में। इसलिए इसने अपना रास्ता बदल दिया। तो मैं याद है अपन बस में पूरे टाइम चिड़ी खेलते हुए आते थे, कब हमारा स्टॉप हो जाता था और पता भी नहीं चलता था। तुमने रश्मि को अपनी बेस्ट फ्रेंड बना लिया, अब पता तुम्हें बेस्ट फ्रेंड कौन थी? बस फ्रेंड सब बेस्ट फ्रेंड कोई नहीं है ना, सब फ्रेंड बची है भाई, बेस्ट फ्रेंड कोई नहीं, बेस्ट फ्रेंड ऐसे नहीं बनाते हैं, सब फ्रेंड बची होती है ना, तो वही सही है। हमें तो बेस्ट फ्रेंड सब बोलना मतलब एक को धोखा देना, किसी को भी धोखा देना। अरे हाँ देखो, शर्मा की बात में भले आई पर उसने हमेशा हमारे साथ दिए, तो बेस्ट फ्रेंड में बोले आज आज अब यहाँ पर मैंने सबसे पहले तो ये कहा कि तुमने मुझे शादी में क्यों नहीं बुलाया, क्योंकि इसकी शादी मेरे से 1 साल पहले हो गई थी। तो बचपन की कुछ शिकवा शिकायतें भी हो रही थी, हंसी मजाक था, क्योंकि हम बचपन में जानते समझते सब हैं पर कभी कह नहीं पाते हैं। पर अब इस उम्र में आके हम लोग इतने खुल गए हैं या मैच्योर हो गए हैं कि हम अपने मन की बात कह सकते हैं। तो मैंने फिर अनुपमा से वही बोला कि अनुपमा तुमने रास्ता बदल लिया था, क्योंकि 10th तक तो तुम मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड थी, हम 4-5 लोगों का अच्छा ग्रुप था, टीना, नेहा, शीतल, अनुपमा, मैं। तो फिर थोड़ा दुख होता है, बुरा लगता है, यही मैं अपने दिल की बात अनुपमा से कह रही थी। तो उसने फिर भी अभी भी घुमा फिरा कर ही जवाब दिया कि बेस्ट फ्रेंड उसकी कोई नहीं है। अगर बेस्ट फ्रेंड कोई नहीं है तो फिर वो हर साल रश्मि से क्यों मिलती है, हर साल वो जबलपुर जाती है किसी काम से और रश्मि से ज़रूर मिलती है। तो ठीक है,
हम मैच्योर हो गए हैं पर मन के भाव व्यक्त करने में अपने दोस्तों से कोई छुपाने वाली बात तो है नहीं, मन के भाव व्यक्त करने चाहिए। एक वही रिश्ता है जहां हम खुलकर बात कर सकते हैं। तो बहुत मज़ा आया, हम लोग बातें कर रहे थे और अनुपमा का बड़ा क्या, एक ही बेटा है पर बेटा बड़ा हो गया है, 11th में आ गया है, वो हम लोगों का वीडियो बना रहा था। और हम लोग अपने बचपन की, अपने परिवार की, सब तरह की बातें कर रहे थे, पता नहीं कितनी बातें कर रहे थे, सहेलियों की, इसकी शादी वहाँ हो गई, वो कुछ नहीं कर रही, वो बहुत कुछ कर रही, मतलब हर तरह की बातें। तो बहुत अच्छा लगा। इस साल मैं बहुत अच्छा टारगेट लेकर चल रही हूँ, जो अपने सभी फ्रेंड्स से मिलने का काम कर रही हूँ, तो इसी वजह से शायद अनुपमा को भी लगा, तो उसने मुझे मैसेज किया और ऐसी जगह बुलाया है जहाँ पर मेरे मायके वाले रहते हैं। तो पहचानी हुई कॉलोनी थी, तो आना कोई दिक्कत की बात ही नहीं थी। वो हवा चल रही है ना, उसके कारण हिल रही है। हाँ, वो उसमें, वो उसकी गर्दन में कुछ हुक टाइप का है, स्प्रिंग नहीं है, हुक टाइप का उसमें, तो वो हिलता ही रहता पूरे टाइम। मस्ती की पाठशाला चल रही थी दोस्तों। उसका बेटा भी बहुत अच्छा था, उसी से बात कर रही थी मैं, बहुत अच्छे से बात कर रहा था, नहीं तो आजकल के बच्चे सामने ही नहीं आते हैं। तो वो खुद वीडियो भी बना रहा था, और वीडियो बनाने में तो आजकल के बच्चे बहुत परेशान करते हैं। हम लोग सब मिले थे यहाँ पर, ये जो सागर गहरे हो गया है ना, पहले ये अमूल था। 2017 की बात है, तब हम ज्ञान में पढ़ा। 2017 में हम कुछ फ्रेंड्स मिले थे, वही मैं बता रही थी उसको। यहाँ हम लोग कुछ दोस्तों के मज़े भी ले रहे थे, कुछ बॉयज़ के और सभी के। अब सब तरह की बातें अकेले में तो आराम से कर सकते हैं ना, और पीठ पीछे, क्योंकि बदल गए हैं ना सब। बचपन में तो सब बिल्कुल प्योर रहते हैं, बड़े होने पर कोई अच्छी दिशा में चला जाता है, कोई अलग उसमें चला जाता है। हम लोगों ने उस दिन क्या टॉपिक छेड़े थे, अपने जो सीनियर और जूनियर की लव मैरिज हुई थी, तो बता रहा था। फैमिली तो सबकी है, तो हम लोग हर तरह की बात कर रहे थे, तो हंस हंस के हालत ख़राब हो रही थी। और बहुत अच्छा लगा, अनुपमा थोड़ी इंट्रोवर्ट थी बचपन में, उतना खुल के नहीं रहती थी। मैं भी इंट्रोवर्ट थी शायद, हम लोग, हमारी परिस्थिति या कहना चाहिए बड़े होने पर या शादी के बाद बहुत अच्छे हो गए हैं, क्योंकि हमको हस्बैंड बहुत अच्छे मिले हैं। तो वही मैं उससे कह रही थी कि हम अगर खुश हैं, हंस रहे हैं और हमारे चेहरे पर मुस्कान है, ग्लो है, तो ये हमारे हस्बैंड के कारण है, क्योंकि वो हमको इतनी खुशी दे रहे हैं, मतलब हमको
स्वतंत्रता दे रहे हैं, जिस वजह से हम इतने खुलकर जी पा रहे हैं। नहीं तो अगर आपके घर में कुछ प्रॉब्लम है, आपके हस्बैंड ही अच्छे नहीं हैं, आपका पार्टनर अच्छा नहीं है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की, तो फिर लाइफ में मज़ा नहीं आता, लाइफ उतनी अच्छी नहीं रहती, स्ट्रगल बढ़ जाता है। तो हंसी रुकने का नाम नहीं ले रही थी, किसी न किसी टॉपिक पर हंस ही रहे थे हम लोग बस। हमें लगता है यार, पता बचपन में सब ऐसे ही रहते हैं यार, लाइफ में सबसे खा दिया, हर चीज से हमारा। ये पता क्या कहते हैं, क्या प्रॉब्लम है, जाओ तुम घर में क्यों बैठी रहती हो, उठाओ गाड़ी, जो करना है करो, जहाँ जाना जाओ। फिर घूमने वाली बात आएगी ना, जैसे आउट ऑफ स्टेशन कहीं घूमने जाना है, चली जाओ अकेली, विराज को ले जाता हूँ, क्या मैंने साथ फेरे किस लिए लिए थे, अकेले घूमने के लिए। ये टेस्टी नाश्ते के अलावा उसकी बुआ ने कचौड़ी भी बनाई थी शानदार। अभी देर हो गई, 6 बजे है, सब अच्छे नाश्ता कर रही हूँ, बहुत मज़ा आ रहा अपने फ्रेंड्स से नाश्ता घर का बना, उसकी बुआ ने बनाया है। फ्रेंड्स ये है अनुपमा, ये पढ़ी है नर्सरी से एमकॉम तक हमारे साथ, पर हम लोग मिले हैं कितने साल बाद, एमकॉम हो गया था 2004 में, 20 साल बाद हमारी मुलाकात हुई है। ये मतलब इसकी शादी हुई 2007 में और हमारी शादी हुई 8 में, पर ना हम इसकी शादी में गए ना इसकी हो चुकी थी, तो ये हमारे में कहाँ से आती। पर हम लोग बचपन से साथ में पढ़े हैं एक ही स्कूल में, तो मिलते रहते थे, जाते थे एक दूसरे के घर। तो अनुपमा से आज मिलकर बहुत अच्छा लगा, बहुत साल बाद मिले, अभी 7 बजने वाले हैं पर अभी भी हम लोग गप्पों में ही लगे हैं। हम लोगों का जो ग्रुप था ना, उस ग्रुप में जैनी जैन थे सब, तो हमको भी सब जैन ही समझते थे, तो फिर हमें बताना पड़ता था कि नहीं भैया इन जैनों के बीच में हम ब्राह्मण हैं। तो अनुपमा अपने बारे में बताओ, कितने साल बाद और किस किस से मिल चुकी हो? अभी तो सिर्फ मेरी एक फ्रेंड है रश्मि, उसी से मिली हूँ, और तो कोई से नहीं मिली अभी, उसी से मिलना भी नहीं होता है। रश्मि से कितने साल हुए? रश्मि से तो साल में एक बार मुझसे मिलना हो ही जाता है, जब कभी जबलपुर जाऊँ तो, बाकी नहीं, बातचीत होती रहती है फोन में। सोचो इसका मायका सागर ही है, आती है पर हम लोग कभी नहीं मिले, नहीं पाता नहीं आता। तो या हम यूट्यूबर बन गए तो हमारे हमें एक्टिव देख के लोगों का मन हुआ कि मिल लें, क्योंकि हम भी शायद नहीं ध्यान दे रहे थे कि कौन कब आता है क्या होता है। पर अच्छा लगा इस बार बहुत लोगों से, अब ये सीरीज चलती रहेगी, रॉकी रॉकी से भी मिलने जाएंगे एक दिन। तो अनुपमा कैसा लगा आज? बहुत अच्छा, बहुत समय बाद याद आ जाऊँगी हम लोग, मतलब इतनी बात है ख़त्म ही नहीं हो रही, मन ही नहीं भर रहा है, अच्छा लग रहा है कि बहुत फिर से एक बार होना चाहिए, मिलना चाहिए, है ना? हाँ बिल्कुल, अब तो हम लोग हर साल ही मिलेंगे, हम भी कोशिश नहीं आ पाए तो कम से कम तुम अपनी राम प्यारी के साथ हम इसको, किसी ने बोला था कह रहे तो तुम अपनी राम प्यारी के साथ आ जाओ, मेरा पॉसिबल नहीं हो पाता है इसलिए तुम खुद आ जाना। मेरे इनकी शादी हुई है कटनी में, मेरी शादी दमो में हुई है, लेकिन मैं कटनी में रहती हूँ, मेरे हस्बैंड कटनी में जॉब करते हैं। कटनी हम लोग ऐसे कभी जाना होता ही नहीं है, कभी जाएंगे जाना क्या आप। दोस्तों 7:10 हो गए हैं, अभी तक भी हम लोग खड़े थे बाहर, वो अपनी बुआ के यहाँ आई है, वहीं मिलने आए थे हम, तो अभी भी बात ख़त्म ही नहीं हो रही थी। तो बहुत अच्छा लगा अनुपमा से मिलके। ये जो हमारा अभी ब्लॉग की कहना चाहिए एक पार्ट चल रहा है ना, बचपन के दोस्तों से मिलने वाले, वो मज़ेदार लग रहे हैं मुझे खुद, आप इंजॉय कर रहे हैं तो और भी अच्छी बात है, पर आई थिंक आप भी इंजॉय कर रहे हैं, पर हम लोग जो बातें कर रहे हैं वो थोड़ी ना आपको पता है, बहुत मज़ा आता है। अब मुझे ऐसा लगता है हम लोग ना जब बचपन में सीधी सीधी रास्ता चलते थे, पर अगर आप ना शादी के बाद खुश हैं तो इसमें सबसे बड़ा हाथ आपके हस्बैंड का है, अगर आपका हस्बैंड अच्छा है आपको सपोर्ट करता है
तो फिर आप अपने आप ही खुश रहेंगे और आपको सबके सामने अलग खुश देख पाएगा हर इंसान, मतलब चेहरे पर एक अलग ग्लो रहता है जब आप खुश रहते हैं। तो इसलिए दोस्तों मैं चाहती हूँ आप लोग भी अपने अंदर की जो भी खूबियाँ हैं, जो भी शौक हैं, उन्हें ज़िंदा रखें और उन्हें आगे निखारें। और मेरे ख्याल से आपका भी अच्छा होगा सब, आपके भी पति अच्छे होंगे और कोई कैसा भी हो, अगर आपके पति देव अच्छे हैं तो दुनिया में सब अच्छा है। तो मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। थैंक यू।